भाई घर से 44 किलोमीटर आए और उसके बाद रियलाइज हुआ कि यार व्लॉग भी शूट करना था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मॉर्निंग नहीं हो रही यार, कितने बज रहे हैं? 3:30 बज रहे हैं, सॉरी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, हरे राम, हरे कृष्णा, जो भी बोलते हैं भाई, राम राम भाई सारिया ने। तो बात ऐसी है कि घर से आ चुके हम 40-42 किलोमीटर दूर और अब मुझे याद आया कि यार मेरे को व्लॉग शूट करना था। और हम जा कहाँ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं गोलू? हम जा कहाँ रहे हैं, क्या करने वाले हैं, सारी डिटेल गोलू बताएगा। बाय द वे दोस्तों, हम ऐसी रोड पे हैं और अगर मौसम दिखाऊं मैं आपको, भाई साहब क्या मस्त मौसम हो रखा है। रोड एकदम बढ़िया साफ सुथरी रोड, बहुत अच्छी धूप लगी हुई है, बहुत दूर पहाड़ों के ऊपर बादल, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, देखने में मजा आ रहा है। और ये हमारे गोलू भाई। हेलो गाइस, सो आज हम जा रहे हैं पिथौरागढ़ को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने एंड कुछ प्लान्स हैं, कुछ इरादे हैं, वी विल टेल देम टू यू लेटर, सो स्टे ट्यून्ड, keep watching. Lifafa sirana kamala kamala main na jaye bhool meri kamala. भाई सब पिछली बार डॉम्स में आए थे तो डॉम्स पूरा खाली था, मैं और गोलू थे, और आज पूरा भरा हुआ है, पूरा का पूरा। बट लकीली हम दोनों को यहाँ पे इस कॉर्नर पे और ये जगह मिल गई। भाई गोलू एक्साइटेड वेरी मच है? हाँ जी। तो अभी हम लोग हैं हार्टफुलनेस के डॉम्स में, डॉर्मेट्री में, और हाँ, और कल है यहाँ पर भंडारा। तो एक हमारे गुरुजी हैं चारी जी, उनका बर्थडे है कल, तो उसी उपलक्ष में कल भंडारा रखा हुआ है और बहुत अच्छा भंडारा होता है। तो सोचो हम लोग भंडारा अटेंड करने और चारी जी का बर्थडे मनाने पूरा 80 किलोमीटर आ चुके हैं, 80 किलोमीटर, और फिर कल 80 जाने। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी मैं हूँ भाई हार्टफुलनेस के मेडिटेशन सेंटर पे और आज है यहाँ पर भंडारा। तो गोलू जो ये भंडारा चल रहा है उसके बारे में थोड़ी डिटेल देगा? तो इट्स बेसिकली हम अपने हार्टफुलनेस ट्रेडिशन में थर्ड मास्टर को डेडिकेट करने के लिए उनके बर्थडे के दिन एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। आपकी तो मैंने बहुत फोटो वोटो ले ली। ये वर्मा जी की भी डालो, ये वॉलंटियर है हमारे। पहला सवाल वही था मेरा कि मेडिटेशन क्यों? मेडिटेशन ही क्यों? मेडिटेशन से एक प्रकार से ये होता है कि हम अपने आप को जान सकते हैं। पहले अपने आप को तो जाने, तभी तो हम बाहर की दुनिया के बारे में सोचेंगे, तब हम विचार ले सकते हैं कि हाँ ये क्यों, ऐसा क्यों, क्यों? क्योंकि जब पहले हम अपने अंदर तक जाएं, अपने अंदर से ही तो सवाल का जवाब मिलेगा ना। जो भी सवाल होते हैं वो बाहर ही होते हैं, लेकिन जो उत्तर आते हैं वो अंदर से ही आता है। ये एक प्रश्न ऐसा है कि ये अपने आप में ही सवाल का उत्तर है। मेडिटेशन तो हर व्यक्ति करता है, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मेडिटेशन नहीं करता हो, लेकिन उस मेडिटेशन का जो फोकस है या ऑब्जेक्ट है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर मेडिटेशन, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे कि अब आप पानी देते हैं किसी को, घर में कोई आता तो मम्मी क्या कहती है, बेटा ध्यान से देना पानी। जब आप घर से स्कूल के लिए निकलते तो मम्मी क्या कहती है, बेटा ध्यान से सड़क पार करना। जो जैसे अगर कोई बिजनेसमैन है, वो दिन भर अपने किस बात के बारे में सोचता है कि कैसे, हाउ आई कैन फ्लरिश माय बिजनेस। हर व्यक्ति मेडिटेशन करता है और वो सोचता रहता है किसी ना किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि माइंड इज द एपिसेंटर ऑफ थॉट्स। दिन भर में हमारे दिमाग में 60,000 थॉट्स आते हैं और उस थॉट्स में से कौन से थॉट्स हमारे यूजफुल हैं, कौन से हमारे थॉट्स अनयूजफुल है, इसको जब हम बैठ के मेडिटेट करते तो उसमें जो हमारे लिए यूजफुल होता है वो हमारे पास रह जाता है, और क्योंकि हम कंटिन्यूसली उसी थॉट के बारे में सोचते हैं, और जो हमारे लिए अनुपयोगी होता है वो अपने आप हट जाता है, क्योंकि इसमें मदर नेचर हमारी हेल्प करती है, यूनिवर्स हमारी हेल्प करता है। एक चीज़ और है कि क्या मेडिटेशन किसी धर्म का वो करता है क्या, मतलब विरोध करता है? मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं ना कि हिंदू मुस्लिम वगैरह कुछ नहीं, कोई बंदिश नहीं। अपने अंदर जाने के लिए किसको बंदिश? बिल्कुल सही बात है, अपने अंदर जा रहे हैं, किसी के अंदर तो जा नहीं रहे। और एज अ प्रिसिप्टर्स यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यूथ के लिए यही मैसेज है कि मेडिटेशन करें, आजमाएं, रिजल्ट अपने आप मिलेगा। मास्टर कहते हैं कि हम कार्यशाला है, प्रयोगकर्ता भी हम ही हैं, परिणाम भी हम ही को होंगे। एज ए प्रिसिप्टर्स आप यूथ को क्या मैसेज देंगे, एज ए मेडिटेटर जो मेडिटेशन नहीं करते हैं, जो स्ट्रेस रहते हैं आज के टाइम पे बाहरी दुनिया में?
तो उन्हें पहले सबसे पहली बात तो मेरा मैसेज यही होगा कि मेडिटेशन करना नहीं करने के लिए कोई किसी से कह नहीं सकता, क्योंकि वी आर ऑलरेडी डूइंग मेडिटेशन, एवरीबॉडी इज डूइंग मेडिटेशन, बट ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन इज डिफरेंट, इट इज डाइवर्सिफाइड। कभी इधर ध्यान जा रहा, कभी उधर जा रहा, कभी उधर ध्यान तो हम कर ही रहे, लेकिन अगर हम एक प्रॉपर मेथडोलॉजी से ध्यान करते तो हमारे जो हमारा द रिजल्ट ऑफ मेडिटेशन इज योर माइंड इज सेंटर्ड, योर माइंड इज फोकस्ड, एंड योर ऑल द यू नो द थॉट्स विच आर नॉट यूजफुल दे आर ऑटोमेटिकली डिसअपियरिंग, ये होता है उसका। तो अगर आप करते हैं मेडिटेशन, आप 5 मिनट से शुरू कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो 10 मिनट कीजिए, फिर आप बढ़ाते जाइए टाइमिंग। यू आर द एक्सपेरिमेंटर एंड यू आर द एक्सपेरिमेंट एंड यू आर द रिजल्ट, नथिंग विल चेंज। एक लास्ट क्वेश्चन कि आप इस फील्ड में, हार्टफुलनेस के मेडिटेशन फील्ड में जो भी है, आप यहाँ कब आए और जो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो कैसा था यहाँ पे? मैं तो 2007 में आई थी या 2005 में, बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर आल्सो एक्चुअल डेट। मैं उससे पहले भी मेडिटेशन कर चुकी थी। ये तो चोजन वन आते हैं इस गेट के अंदर, कोई ऐसे अंदर आ ही नहीं सकता। वी आर द चोजन वन, आई फील कि मैं, मुझे सेलेक्ट किया यूनिवर्स ने इस चीज के लिए, एंड आई फील प्राउड ऑफ इट। और पहली बात ये भी कि इंसान आता हमेशा शांति की तलाश में है, उसको थोड़ी शांति मिले, हर इंसान जाता कि मुझे थोड़ी पीस मिले। लेकिन कोई भी इंसान जो है वो प्रेम लेना जानता, हर इंसान को प्रेम चाहिए लेकिन प्रेम देना नहीं चाहता ना, तो वो जब तक वो देगा नहीं उसको मिलेगा कैसे? तो ये सारी चीजें हमको लेकर के यहाँ पे आई। शुरुआत में कोई भी, जैसे मैं बिगिनर था, मुझे आइडिया नहीं है कि अगर मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं आँख बंद कर रहा हूँ, तो बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं उस टाइम पे दिमाग में, तो हम किस थॉट पे फोकस करें, मतलब क्या आना चाहिए हमारे दिमाग में उस टाइम पे? थॉट्स तो ऐसे हैं कि वो अपने अंदर सबकॉन्शियस माइंड में दबी रहते हैं, तो जैसे ही हम आँख बंद करते हैं तो वो सब बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। जो हम लोग करते हैं कि ईश्वरीय प्रकाश मेरे हृदय में मौजूद है जो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, एक धारणा है, किसी एक धारणा में तो करना है ना। एक इस सबसे हटके क्वेश्चन, जो ये भंडारा है यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा बताएंगे आप, मतलब कि क्यों किया जाता है और क्या है इसका, मतलब महत्व क्या है इसका? एक प्रकार से जैसे हम लोग बर्थडे वगैरह मनाते हैं, ठीक है, तो सब लोग सम्मिलित होते हैं, यहाँ भी एक प्रकार से भंडारा, यानी कि हम मास्टर का बर्थडे मना रहे हैं तो सम्मिलित होते हैं और सब सम्मिलित होकर अपना हार्ट खोलते हैं। एज अ बिगिनर, जैसे मैं एक नया अभ्यासी हूँ, तो मुझे मेडिटेशन करने पे मतलब बहुत सारे थॉट्स आते हैं, जैसे आपने कहा फोकस, तो एज अ बिगिनर हमें किस थॉट पे फोकस करना चाहिए, वहाँ पे किस चीज के बारे में फोकस करना चाहिए? जो आपको मेथड बताया है उसमें से कोई डेविएशन नहीं होना है। अगर आपके पास थॉट्स आते हैं तो वो कोई गलत नहीं है थॉट्स का आना, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बैठना है और थॉट लिखना है कि Divine source of divine light is already present in my heart. उसके बाद जो होना उसको होने दीजिए। देखो जब आप meditation कर लेते हैं, how do you feel after that? That matters. What is your condition before meditation and what is your condition after meditation? If you feel energetic after meditation, that means your meditation was good. And this is a slow process because our tendencies, our attitudes are deep rooted. हमारी tendency कि हम सुबह उठ के एक कप चाय पिए बिना बाथरूम नहीं जाएंगे। अब अगर हमसे कोई कहेगा कि बिना चाय पिए चले जाओ तो हमें तो होता ही नहीं क्योंकि हमने माइंड सेट बना लिया है। लेकिन अगर हम पानी पी के थोड़ा टहलने जाए उसके बाद हम फ्रेश हो सकते हैं। मैंने ना अपने नाती में बहुत चेंज देखा जो बिल्कुल कुछ नहीं, वो घर आके ऐसे कोई रास्ते में जा रहा उसको रोड क्रॉस कराएगा, वो कोई फास्ट फूड नहीं खाता था, उसने कभी मैगी नहीं, कभी ये नहीं, सबको कह देता था भी इतना अच्छा, और मेडिटेशन को रास्ता पार कराने और मेडिटेशन के लिए भी ये बैठाती थी ना स्कूल में, तो वो आके मेरे को बताता था, रोज स्टोरी सुनाती थी। जो अब वो स्टोरी मैं इसी में पढ़ती हूँ, तो फिर मेरे को दिलचस्पी वो बच्चे में चेंज देख कर, फिर जब भी जाती ये अपनी कमरे में नहीं मिलते थे, ये ना मैं कहती थी कैसी प्रिंसिपल, जब देखो ना किसी बच्चे के शू ठीक करे, किसी कॉलर, किसी के बाल, कहीं से कूड़ा उठा के उधर आता, कि उनको अपने कमरे में चेयर में बैठे नहीं देखा मैंने, तो मैं इतना देख के मैं कहती जो प्रिंसिपल इतना बच्चों का, और कोई पेरेंट्स आते थे कभी भी इन्होंने, और टीचर सब ऐसी रहती थी कि जैसे एक फैमिली हो,
तो मेरे को दादी बना दिया सबने वहाँ टीचरें भी जाऊं अभी तक इतनी जगह वो मेरे को इतना अच्छा लगा ना मतलब कुल मिला के आपके जो पोते थे अब 10th में है मेरे पोते अच्छा अच्छा आपके जो पोते हैं मतलब अभी उनको आपने मेडिटेशन सिखाई स्कूल टाइम में ही पूरे बच्चों को ही सिखाती मतलब हाँ ग्रुप में और फिर आप अपने पोती की वजह से मेडिटेशन लाइन में आई हाँ जी जिनसे भी मैं बात कर रहा था वो यहाँ पे प्रसिप्टर्स हैं कमला मैम और मीनू जगदीश मैम प्रसिप्टर मतलब होता है ध्यान गुरु जो आपको मेडिटेशन करने में हेल्प करते हैं आपके आसपास की पॉजिटिव एनर्जी को चैनलाइज करते हैं और उनके कुछ एक्सपीरियंसेस थे जो उन्होंने शेयर करे मेरे कुछ क्वेश्चन थे उनसे भाई एज अ बिगिनर एज अ अभ्यासी और टू बी ऑनेस्ट सच कहूं भाई इस जगह पे आके जो एक शांति का अनुभव होता है ना मतलब उसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं लिटरली एज अ बिगिनर अभ्यासी और एज अ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस वाला अभ्यासी एज कंपेरिजन टू मेरे दोस्त मैं चाहूंगा कि यार जितने भी मेरे दोस्त जो अपनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर जो अपनी अपनी जगह पे परेशान है स्ट्रेस है एक बार उनको मेडिटेशन करना चाहिए अगर घर पे होता है और नहीं होता है तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसे हार्टफुलनेस के मेडिटेशन सेंटर हैं जहाँ पे वो जाके इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं बाकी अभी भंडारा का कार्यक्रम चल ही रहा है कुछ जगहों पे प्रिसिप्टर्स सीटिंग दे रहे हैं पर्सनल सीटिंग दे रहे हैं और खाना पीना बन रहा है देखते हैं क्या होता आगे को राजा में रानी का लुक आ रहा है मेरे पास सबूत है किसने गिराया मेरे पास सबूत है किसने गिराया देखो आराम से करते क्या हो रहा है लास्ट टाइम पे राजा स्क्रिप्ट लिख रहा हाथ में राजा को हिंदी क्या है सेंटा क्लॉज लड़कियां कैसे सहती हैं सब चीजें अरे भाई उनकी आदत होती है आदत हो जाती है उनको कार्टून बना दिया जाता शादी के दिन दासी दासी क्लैप क्लैप ये देखो ये ये लो अभी तो इसमें झाड़ फूंक वाला बताएंगे यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस भंडारा कि ये लोग ना अपने गुरु के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं ये लोग नहीं हम लोग क्योंकि अब मैं भी इन्हीं में से एक हूँ अभ्यासी लोग तो हम लोग अपने गुरु के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये इतनी खासियत है यहाँ इस चीज़ की सबसे मेन चीज़ की आज के दिन भीड़ भड़ाका है बहुत ज़्यादा लोग हैं सब दूर दूर से लोग आए हैं अभी थोड़ी देर बाद लोग घर की तरफ जाएंगे बट एक जो रहता है ना कि सब लोग जब एक साथ हैं तो परिवार वाला माहौल जो मैं इस जगह पे बार बार आना चाहूँगा लिटरली भविष्य में भी मैं इस जगह पे बार बार आना चाहूँगा इतनी अच्छी जगह लगी मुझे और दूसरी चीज़ की हम लोगों का एक पर्टिकुलर टाइम है सुबह उठेंगे प्रेयर करेंगे फिर मेडिटेशन करते हैं अगर प्रसिप्टर्स हैं तो उनसे सीटिंग लेते हैं उसके बाद फिर दिन में खाना वाना शाम के टाइम पे आरती और फिर से वही रात के टाइम बेड टाइम पे प्रेयर तो ये प्रॉपर एक प्रोसेस है इसका अभी डिटेल में तो मुझे भी नहीं पता मैं भी एक नया नया अभ्यासी हूँ बट ऑल ओवर जो है कि पंक्चुअलिटी आ जाती है आपके अंदर पीस आ जाता है आपके अंदर आप नेचुरली आपका बिहेवियर चेंज होने लगता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे और यंग जनरेशन को मेरी तरफ से मैसेज कि भाई कुछ करो ना करो लाइफ में एक बार मेडिटेशन सेंटर जरूर जाओ और उस चीज को अनुभव करो कि वहाँ पे क्या है ये अनुभव करना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे यूथ के लिए